मुझे एक कंप्लेंट है आप लोगों से, वो ना बहुत ही नकली जे लेवल ते ले जांदे ने। अंकल जी ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਟੀਆਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਓ ਗॉड ਯੈਸ ਓ ਗॉड ਮੈਨ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ। ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ ਹੈਲੋ एवरीवन ਆਈ ਏਮ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ india.com ਜੀ ਮੀਡੀਆ। ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਸਿਮੀ ਐਂਡ ਹਰੀਸ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਹੇਅਰ ਫॉर ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਔਨ ਦੀ 14th ਆਫ ਜੁਲਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਕਈ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਈ ਹਾਰਰ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਗੋਸਟ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਕਭੀ ਸੁਣਾ ਆਪਨੇ? ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਐਂਡ ਆਪਕੋ 14 ਜੁਲਾਈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਗੋਸਟ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਹੇਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੱਚ ਹਾਉ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੀਨ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਸਰਕ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਲੈ ਕੇ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੀਨ ਗੁੱਡ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗੁੱਡ ਬਾਈ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ। ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰੀਗਡ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ रिस्पॉन्स वगैरह। मुझे एक कंप्लेंट है आप लोगों से, ट्रेलर में तो दादा और पोते का इतना नहीं दिखाया, बट द टाइटल सेज इट ऑल। ऐसा क्या है जो हम इतनी बड़ी चीज हमें देखने को मिलेगी? वो तो आपको देखने मिलेगी। हाँ जी, यहाँ तो नहीं बता पाएंगे। वो मेन गल है कृतिका जी। ओके, अच्छा कॉमेडी फिल्म्स की हम बात करते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक द ऑडियंस लाफ। जब आप फिल्म करते हैं आपको मतलब हंसी आती है उस टाइम पे, और इट्स जस्ट द वर्क यू डूइंग आती है? जो कि बुजुर्गों और बच्चों के आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें क्या बुज़ुर्गों को क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और बच्चे क्या सोचते हैं बुज़ुर्गों के बारे में, वो गलत होते हैं तो किस तरह से सही होना होता है उनको, उसके बारे में बात करती है, बट विद अ वेरी एंटरटेनिंग वे। हमारे डायरेक्टर हैं जो लाडा से कॉमन और जो राइटर हैं धीरज कुमार और करण संधू, उन्होंने ये बनाई है फिल्म। सो इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म। जैसे आप कह रही थी कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स तो हमें बहुत अच्छा आ रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। एट द सेम टाइम तारीख नज़दीक आ रही है 14 और दिल भी धड़क रहा है, तो वो सभी फीलिंग्स हैं जी। ओके, रीजनल मूवीज़ का तो अब हम ये टैगलाइन हटा ही देते हैं, बिकॉज द बॉर्डर हैज़ बीन क्रॉस, इट्स पैन इंडिया। पैन इंडिया, इंटरनेशनल, इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड अक्रॉस, एंड दिस हैज़ हैपन बिकॉज इफ यू से लाइक साउथ की मूवीज़ ने भी बहुत अच्छा किया है, कैरिन जटा ने भी काफ़ी कर लिया, तो ये पहले बॉक्स ऑफिस का था कभी क्रेज़, कॉम्पिटिशन था पहले? Because you've been here since a long time in the industry, this for both of you. Honestly speaking, कभी भी नहीं मैंने सोचा इसके बारे में। मैंने personally तो कभी नहीं सोचा। And अगर हम 2023 की बात करें, 2023 की बात करें, for this movie also, for this movie, सोचते हो? Love की अगर ये अच्छा business करती है, box office अच्छा होता है तो। क्योंकि पंजाबी movies भी काफी hit कर रही हैं। I think कृतिका personally I feel कि जो आर्ट है और जो बिजनेस है वो बहुत ऐसे पोल्स ऑफ आर्ट, तो आई नो दिस इज़ नॉट एन आर्ट फिल्म, पर ये इसमें मैसेज ही इतने हाई लेवल का है, बहुत ऐसे है, तो मतलब बहुत खुशी होगी जब लोग अभी सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे, पर फिर अगर बाद में भी देखेंगे मुझे तब भी इतनी खुशी होगी। नंबर्स से मुझे नहीं लगता कभी भी किसी मूवी को तोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत अजीब सी मूवीज़ भी बहुत अच्छे नंबर्स कर जाती हैं जो पब्लिक में आनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब उनमें बातें ऐसी होती हैं कि ऐसे लगता है अरे मतलब ये कैसे फैमिली के साथ बैठ के देखें। कभी कभी इतनी प्यारी मूवीज़ होती हैं जो लोग नहीं देख पाते हैं किसी कारण, और बाद में देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे मिस हो गई, है ना। सो आई थिंक नंबर्स एंड अ गुड फिल्म और गुड सिनेमा हैज़ नथिंग टू डू विद ईच अदर। बस मैनू इदा लगता भी वधिया मूवीज़ जिहड़ियां हुंदियां ने ओह लोकां तक पहुँचनियाँ चाहीदियां ने, बट इन्नी खुशी जरूर हुंदी है जदों चंगी मूवी बिजनेस वी करे। इट्स आई थिंक इट्स जस्ट एन एड ऑन, दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा हरीश, आई वॉन्ट टू आस्क, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने टीवी से शुरू किया था लाडो से? हाँ जी। देन उसके बाद यारन मुले, एंड आपने इट यू स्टार्टेड विद एमी विर्क। हाँ जी। एंड यू वन अवार्ड फॉर दैट मूवी, व्हिच वाज द नेम? बम्बू काट जी, इट वाज अ डेब्यू फिल्म। या एंड आफ्टर दैट यू वर्क्ड विद प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस। सो बोथ ऑफ यू हैव डन अ फैबुलस जॉब। मतलब एक कहते हैं ना करियर स्टार्ट होने से पहले एक पुश की जरूरत होती है, तो क्या हम बोल सकते हैं आप दोनों के लिए कि स्ट्रगल्स नहीं थे या थे तब भी इतना बड़ा स्टार्ट के बाद भी?
स्ट्रगल तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ था, इट्स स्टिल देयर स्ट्रगल. ऐसा है कि देखिए हमारा तो मेरा तो कुछ भी था ही नहीं, कोई रिलेशन इस लिंक ही नहीं था इस फील्ड में. थिएटर मैंने शुरू किया था, थिएटर से एज एन एक्टर अपने आप को मैंने आई ट्राइड गुड के तैयार करूँ एज एन एक्टर अपने आप को. फिर मैं बॉम्बे गया, वहाँ जाके मैंने ऑडिशंस दिए, फिर मुझे वो सीरियल मिला, सीरियल से कॉन्फिडेंस बना, फिर ये फिल्म जो थी इसका भी ऑडिशन दिया, फिर फिल्म मिली, ये कैरेक्टर पसंद आ गया, फिल्म चली. तो इस तरह से ये इजी तो नहीं था, स्ट्रगल तो था क्योंकि बॉम्बे भी मैं दो बार गया हूँ, रिजेक्शंस थे बिल्कुल बिल्कुल थे. सो इट वॉज टफ, बट ये है कि जो भी है वो मुझे लगता है कि जो जो बेस बना था, जो सीखा था, उसी के कारण यू नो काम से काम मिलता गया. सो इस तरह से ये हुआ. सिमी, व्हाट अबाउट यू? जी एक तो मैं ये लगता है भी पर्सनली स्ट्रगल्स की डेफिनेशन हर किसी वास्ते डिफरेंट होंगी है. तो मैं ज़्यादातर स्ट्रगल किसी को मानती नहीं अलग गल है, काम इजीली मिलता है, आई एंजॉय द प्रोसेस. पर मैं फॉर्चुनेट पक्का रही हूँ, देयर इज़ नो डिनाइंग इन दैट भी मैनू पहली मूवी बाय गॉड्स ग्रेस रब की दुआ नाल बहुत वधिया मिली सी, बंबू कार्ड सी जो. उस तो पहले मैं थोड़े जे गाने भी किए हुए सी, बट इट्स नॉट लाइक आई वॉज वेरी फेमस. तो बंबू कार्ड बहुत प्यारी स्क्रिप्ट सी. तो मैनू इदा लगता भी कभी कभी रब तुहानू हाथ फड़ा दिंदा, तो उस तो बाद जिहड़ा तुहाडा टाइम स्टार्ट हुंदा ना, क्योंकि ओपरचुनिटीज़ मिल जांदियां ने कभी कभी, मोस्टली मिल जांदियां ने. तो उस तो बाद जिहड़ा टू कैरी दैट ऑन योर शोल्डर्स भी हुण की सिलेक्ट करना की नहीं करना, वो सौखा नहीं हुंदा. चॉइसिस यू मेक दे मेक यू, दे मेक योर करियर, एंड वो भी अपने आप च बहुत वड्डी स्ट्रगल हुंदी है, क्योंकि हू वुड लाइक टू से नो टू मनी. दैट्स यू नो इट्स दैट मेजर स्ट्रगल कि मनी और आर्ट और टू टू योर फीलिंग्स और एथिक्स या तो डकी जी आ करन दा, ता वो एक बहुत वड्डी अंदर ही अंदर ये हुंदा भी ये करा एदा ही मतलब या नहीं. ता बट हजे तक ता चलो मैं आई हैव बीन वेरी थॉटफुल, ते रब करे एदा ही रहे. बाकी देखो जी हजे लाइक आई पुट अ लॉट ऑफ थॉट इन टू द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट आई एम पिकिंग, ते ओ की मैसेज दे रही आ, ओ की कह रही आ ऑडियंस नू, ते जदो ऑडियंस ओ देख के निकलूगी सिनेमा हॉल च ओ की फील करूगी. सो माय स्ट्रगल, माय मेजर स्ट्रगल इज दैट. और आप लोग कितना हिंदी मूवीज देखते हैं? इफ आई लाइक द ट्रेलर आई वॉच इट. इफ आई हैव यू गाइस वॉच जरा हटके जरा बचके ऑफ विकी कौशल? कौन सी? जरा हटके जरा बचके? ना जी वो नहीं देखी, नहीं हजे तक मौका नहीं मिला देखने. इधर तो यूजुअली क्या होता है कि बॉलीवुड मूवीज में पंजाबी जब आता है ना कि मतलब एक एक्ट्रेस या एक्टर पंजाबी होते हैं तो मतलब उनके मुंह से बोली भी वैसे निकलती है पंजाबी में, बट वो कुछ चीज़ कभी आ नहीं पाती. चंगा बल्ले बल्ले तुसी ग्रेट हो, मतलब इतने तक ही रुक जाता है. हाँ जी हाँ जी है ना. तो एज अ पंजाबी मुझे बहुत बुरा लगता है. आई फील यू. लेकिन एक और बात है ना, वो बिल्कुल ठेठ पंजाबी तो बोल भी नहीं पाएंगे. ठेठ ना बोले बट बुचर ना करे क्योंकि उसका कबाड़ा ना मचा दे. पंजाबी नहीं देखता उस फिल्म को. हाँ आई नो, तो सारी दुनिया देखती है. हाँ. और भी स्टेट्स देखती हैं तो उनको तो समझ में नहीं आएगी. थोड़ा डायलेक्ट जैसे बाकी जैसे अगर गुजरात में करते हैं सब लोग करते हैं प्रैक्टिस, बट पता नहीं यहाँ पंजाबियों में आके ऐसे हो जाता है. हाँ वो जनरली उनको एक या दो डायलॉग्स प्रॉपर पंजाबी में बोलने चाहिए, फिर पता चलेगा कि हाँ हाँ जी बिल्कुल बोलते ही नहीं कुछ भी. वो ना बहुत ही नकली जे लेवल पे ले जाते हैं, जिदा मोस्टली तो मैं देखा भी जोक जाई बना देते ने और मैं सॉरी एंड इट डजंट लुक फनी एट ऑल. इट्स नॉट फनी एट ऑल. फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, अंकल जी तोड़ी अकल की तोड़ी गीटियां भी चाहिए. ओह गॉड यस, ओह गॉड आई नो, ओह गॉड यस. तो मतलब हां ये प्रॉब्लमैटिक थोड़ा जा है बॉलीवुड जे वाला सिस्टम, बट आई थिंक पीपल आर ट्राइंग टू चेंज इट. मैं लगता है विक्की कौशल जी जो भी बोलते हैं आई थिंक वो ध्यान रखते हैं इस गल का. पंजाबी होता नहीं नहीं वो तो बोलते ही बोलते हैं बढ़िया था, बट वो मैं लगता इस गल का बॉलीवुड च ध्यान रखते हैं. जितने उन्होंने माड़ी मोटी जे वो हो जाए तो वो बुचर नहीं करते, वो उन्ना क सामभ लेंगे ने. ईवन आई थिंक जो दिलजीत ऑलसो डिड द मूवी उन्होंने भी बुचर नहीं किया, उन्होंने भी पंजाबी आती है. हाँ जी बोलना वो बोलते ही नहीं. हाँ दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू. तुम कह रहे हो भी नॉन पंजाबी जो करते हैं बोलते हैं
गीते अकल आई गॉट यू या नहीं he's right बट फिर एदा मतलब कि किसे नु स्पेशली जेडे ओ टीम च इन्वॉल्व ने उन्ना नु ए चीज दा ध्यान रखना चाहिदा कि जेड़ा एक्टर जिन्ना नु नहीं आंदी जिन्ना नहीं ओ उन्ना दा टीम दा ध्यान डायरेक्टर दा या किसे टीम दा ध्यान होना चाहिदा वी एदा बोलणी आ कोई उथे बंदा होना चाहिदा जेड़ा उन्ना नु गाइड करे वी दिस इज पंजाबी यस थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप